हेलो दोस्तों, एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूं आपके लिए एक ऐसा सीरीज जिसमें बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको बृहद रूप से नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमने क्लास की तरफ। सन 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य पर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में की आपत्तिजनक धाराओं पर विरोध प्रकट करने के लिए नवंबर 1916 में पटना के बाकीपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन हुआ। राजेंद्र प्रसाद उन दिनों बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव थे। चंपारण दौरे के समय गांधी जी द्वारा 1917 में चंपारण के बड़हरवा लखनसेन नामक गांव में एक स्कूल स्थापित किया था गया। गांव के शिवगुलाम लाल नामक एक उदार व्यक्ति ने स्कूल के लिए अपना घर दान कर दिया था। 1919 में चंपारण में गांधी स्कूल के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में हड़तालें हुई। अंग्रेजों की दमन नीति के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को पटना सिटी के किला मैदान में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक आदि के नेतृत्व में एक विशाल सभा हुई जिसमें पटना की अधिकांश छात्र उपस्थित थे। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी ने अक्टूबर 1920 में कॉलेज छोड़ दिया और घूम घूम कर जनता को जागृत करने लगे। 1920 के अंत तक पटना में विभिन्न कॉलेजों एवं स्कूलों के छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। कुछ छात्रों के लिए पटना सदाकत आश्रम में रहने की व्यवस्था की गई। मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल के छात्र भी अधिक उद्वेलित थे। गांधी जी ने छात्रों के स्कूलों एवं कॉलेजों को छोड़ने और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की अपील की। TNJ कॉलेज भागलपुर के 40 छात्रों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक जिला स्कूल, मधुबनी के वाटसन स्कूल, हाजीपुर हाई स्कूल तथा बगहा मिडिल स्कूल आदि शैक्षिक संस्थाओं पर असहयोग आंदोलन का प्रबल प्रभाव था। राजेंद्र बाबू ने पटना विश्वविद्यालय के सीनेट एवं सिंडिकेट की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेजिएट स्कूल, दरभंगा के सरस्वती एकेडमी, छपरा के कॉलेजिएट स्कूल तथा गया के एक स्कूल में राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इनका संचालन विरुद्ध रूप से राष्ट्रीय ढंग से किया गया। गांधी जी के आह्वान पर बिहार शरीफ में राम बिघा के स्वर्गीय राय बहादुर एदल सिंह ने एक न्यास की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुछ ही दिन पूर्व नालंदा कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1921 में पटना कॉलेज के हाल में श्री सरफुद्दीन बार एटला की अध्यक्षता में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक हुई। इस संगठन ने स्वदेशी वस्त्रों को धारण करने की प्रतिज्ञा की। इस बैठक का उद्देश्य छात्रों के मध्य सहयोग की भावना विकसित करना था। देश प्रेम की भावना से मार्च 1921 तथा अनेक प्राध्यापकों एवं छात्रों ने क्रमशः अपने पदों एवं पढ़ाई का त्याग कर दिया और राष्ट्रीय कार्यों में लग गए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में हुई। ब्रिटिश सरकार प्रोफेसर ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। छात्रों के निमंत्रण पर 1929 में सरदार पटेल भागलपुर आए। 1930 में नालंदा कॉलेज के छात्र के प्रयास से बिहार शरीफ में युवक संघ की एक शाखा की स्थापना हुई। 1931 में आरा में बिहारी छात्रों का 24वां सम्मेलन हुआ जिसमें ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्य करने का निश्चय किया गया। 1940 में बिहार के कई स्थानों पर विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस मनाने के
कारण कई कॉलेज के छात्र कठोर रूप से दंडित किए गए। मुंगेर के अली अशरफ तथा सुनील मुखर्जी जैसे कम्युनिस्ट छात्र नेता कैद कर लिए गए। जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के विरोध में 14 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। लगातार जारी विरोध प्रदर्शन आंदोलन के कारण 22 अप्रैल 1946 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। देखे यूसुफ मेहरअली द्वारा संपादित जयप्रकाश नारायण की पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स। अप्रैल 1940 में दरभंगा के बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। 16 नवंबर 1940 को छात्र संघ के तत्वाधान में पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के छात्रों द्वारा दमन विरोधी दिवस मनाया गया। अप्रैल 1941 में मधुबनी में छात्र सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता राम वृक्ष बोनीपुरी ने की। अगस्त 1941 में बिहारी प्रांतीय छात्र सम्मेलन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उद्घाटन भाषण दिया। 1942 के अगस्त क्रांति के समय राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बीएन कॉलेज के छात्रों ने बृहद जुलूस निकाला तथा इंजीनियरिंग कॉलेज पटना, ट्रेडिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि संस्थान के भवनों में छात्रावासों पर झंडे फहराए गए। छात्रों ने बिहार केंद्रीय छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। सरकार के अनेक कठोर कार्रवाइयों के पश्चात भी छात्रों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। 1942 से 43 के पश्चात बिहार के कई छात्र राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। सन 1917 में बिहार में महात्मा गांधी का के पदार्पण के समय ही आंदोलन में महिलाओं का झुकाव बढ़ गया। 1919 तक कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, प्रभावती जी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी और वीरांगना महिलाओं की प्रेरणा से संपूर्ण बिहार की महिलाओं में आज़ादी के प्रति रुझान बढ़ गया। सरला देवी ने 1921 में बिहार आह्वान किया। श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोह के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। पटना के श्रीमती सीसी दास, कुमारी गौरी दास और श्रीमती उर्मिला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में चरखा एवं अन्य स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार में भाग लिया। 1921 में देश बंधु कोष के लिए जब गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने अपना आभूषण तक दान में दिया। इस कार्य से महात्मा गांधी के साथ श्रीमती प्रभावती देवी, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1930 के नमक आंदोलन में भी बिहार की महिलाओं ने बड़े जोश खरोश से के साथ भाग लिया। श्रीमती सैलबाला राय के उत्तेजक भाषण से प्रभावित होकर संथाल परगना की महिलाओं ने नमक कानून को भंग किया। शाहाबाद जिले के श्री राम बहादुर बार एटलॉ की पत्नी सासाराम थाने के समक्ष नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी तथा श्रीमती साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा भी मिली। गिरिडीह की श्रीमती मीरा देवी को गिरफ्तार किया गया। पटना में श्रीमती हसन इमाम तथा श्रीमती विद्यावसनी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी मुद्रा के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन को सफल बनाया। पटना के तत्कालीन कलेक्टर को इन महिलाओं से मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस बल की बहाली करनी पड़ी। मुंगेर की श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर एक बड़े घराने के मुस्लिम महिला थी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में बहुरिया राम स्वरूप देवी का प्रभाव इतना था कि उन्हें 1931 में भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। संथाल परगना जिले में श्रीमती साधना देवी ने नेतृत्व संभाल रखा था। श्रीमती चंद्रावती देवी गया की प्रमुख नेत्री थी। वह चौकीदार कर के विरोध में गिरफ्तार भी हुई। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिए गए मृत्युदंड के विरोध में आरा में एक
आरा में एक विराट सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने की। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तब भी बिहार में हड़तालों और प्रदर्शनों का सिलसिला चलता रहा। 4 जनवरी 1933 को बिहार में गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी तथा डिक्टेटर चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। श्रीमती राजवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी को 1.5 साल कारावास तथा का दंड मिला। 1941 में महात्मा गांधी ने जब सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो इसके समर्थन में बिहार की महिलाओं ने भी सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के आरोप में गया की श्रीमती प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी एवं जानकी देवी को गिरफ्तार भी किया गया। दुमका में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती महादेवी केसरीवाल ने किया। बिहार के खादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। सरला देवी, सावित्री देवी, लीला सिंह, श्रीमती सफी, सरदा कुमारी, विद्याहौसनी देवी, प्रियवंदा देवी, भगवती देवी जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं, विशेषकर चरखा समिति की सदस्यों ने अगस्त महाक्रांति की ज्वाला को धड़काने और उसे व्यापक बनाने में भरपूर कोशिश की। 9 अगस्त 1942 को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकला। हजारीबाग में महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जब श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था तो विद्यार्थियों का एक जस्ता ने धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती माया देवी कर रही थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जीरियावती ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। छपरा में 19 अगस्त 1942 को एक विशाल जनसभा की अध्यक्षता शांति देवी ने की। छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड पर तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मलखाचक के स्वर्गीय राम गोविंद सिंह की 2 पुत्रियों शारदा एवं सरस्वती को 14 और 11 वर्ष की सजा दी गई। दुमका में श्रीमती जमवती देवी तथा श्रीमती प्रेमा देवी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं। संथाल परगना के हरिहर मिर्घा की पत्नी वीरजी देवी की पुलिस ने हत्या कर दी। गया जिले की प्यारी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैशाली जिले की किशोरी प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीति देवी एवं बैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी ने पुरुष के वेश में साइकिल पर भ्रमण करके जन जागरण किया। वैशाली जिले के किशोरी प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीति देवी एवं बैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी ने पुरुष के वेश में साइकिल पर भ्रमण करके जन जागरण किया। वैशाली की ही श्रीमती विंदा देवी शहीद फुलैना प्रसाद की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भवानी मेहरोत्रा, भागलपुर की रामस्वरूप देवी, कुमारी धतूरी देवी, जिरिया देवी, मुंगेर की संपतिया देवी, शाहबाद की फुई कुमारी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा आदि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक महिलाएं पुलिस की गोली से शहीद भी हुई, जिनमें प्रमुख हैं छोड़मारा गांव की श्रीमती बिराजी मधियाइन, शाहबाद के गांव लसाढ़ी के शिव गोपाल दुसाद की पत्नी अकेली देवी, मुंगेर के रोहियार गांव के कुमारी धतूरी देवी आदि हैं। बिहार के अन्य अत्यंत चर्चित महिलाएं हैं शारदा देवी एवं श्रीमती उषा रानी मुखर्जी। बिहार स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साहित्यकारों का योगदान। बिहार में साहित्यकारों की लंबी परंपरा रही है, जिसे साहित्य के स्वतंत्रता संग्राम में जूझने वाली को पर्याप्त प्रेरणा दी। इसमें प्रमुख नाम है राम वृक्ष बोनीपुरी, शिव पूजन सहाय,
पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, मुकुटधारी सिंह, युगल किशोर सिंह, केशव राम भट्ट, जीवानंद शर्मा, मोहनलाल महतो, बिगोई रामधारी सिंह दिनकर आदि। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन जैसी पुस्तकों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को साहस एवं उत्साह प्राप्त हुआ। डॉक्टर रंजीत्र प्रसाद की लिखी चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र जैसे कलियजी कृतियों में स्वतंत्रता सेनानियों के मन में संग्राम की अग्नि शिखा की प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 में राय बहादुर राव रणविजय सिंह की महत्वपूर्ण कृति यूरोपीय महायुद्ध और भारत का कर्तव्य प्रकाशित हुआ। भवानी दयाल सन्यासी की लिखी कारावास की कहानी तथा प्रवासी की कहानी अति महत्वपूर्ण है। पंडित पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निवासी श्री पीर मोहम्मद यूनुस की अनुमृत कृति चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरण सामग्री था। आचार्य शिव पूजन सहाय की पत्रकारिता और साहित्य रचना दोनों ही माध्यमों से स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका का निर्वाह किया। विभूति नामक उनकी स्वनामधन्य कहानी संग्रह में संकलित राष्ट्रीय संदर्भ में मुंडमाल कहानी की स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा के दृष्टि का अत्यंत महत्व है। इसके द्वारा लिखित लेख क्रांति का अमर संदेश पूरा स्वतंत्रता आंदोलन से ही संदर्भित है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता होने से पहले तथा देश का ध्यान शीर्षक में उनके लेख स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनकी प्राप्तता उनके कर्तव्य का विमोचन का अप्रासंगिक योगदान है। हिंदी के महान साहित्यकार श्री राम वृक्ष बनीपुरी की रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम की सेनानियों के लिए बड़ी प्रेरक सिद्ध हुई। राम वृक्ष बनीपुरी के उपन्यास पतितों के देश में और कैदी की पत्नी तथा शब्दचित लाल तारा में वामपंथी राष्ट्रीयता का प्रकाश है। शिव पूजन सहाय के शब्दों में खंजन की तरह फुदकन वाली बेनीपुरी जी की भाषा अवश्य ही स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के लिए पर्याप्त उत्साहजनक थी। हिंदी के गद्य लेखक राजा राधिका रमन प्रसाद की स्वतंत्रता से संदर्भित रचनाओं का महत्वपूर्ण महत्व है। राजा साहेब की सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित कथाकृति गांधी टोपी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यकारों के भी दो वर्ग रहे हैं। एक वर्ग उन लोगों का है जिन लोगों ने केवल लेखनी के माध्यम से इस संघर्ष में योगदान दिया, जैसे केशव राम भट्ट मोहन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, अंग्रेजों के पत्रकार महेश नारायण ने बिहार के माध्यम से स्वतंत्रता बिहार की स्थापना का आंदोलन चलाया। सारण जिले के जगन्नाथ तिवारी नेपाल जगन्नाथ निवासी गोपाल शास्त्री एक अल्पज्ञात सुकवि थे। इन्होंने भी स्वाधीनता का भाव जगाने वाली कविताएं लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है राष्ट्रभाषा भूषण, राष्ट्रधर्मोपदेशिका, हरिजन स्मृति। जगन्नाथ निवासी गोपाल शास्त्री की ये कृति है। इस काल से दूसरे समर्थ कवि थे मुकुटलाल मिश्र रंग। ऐसे तो ये श्रृंगारिका कवि थे, लेकिन वे युग चेतना संपन्न भी थे। इन्होंने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा विजय के नाम से पदानुवाद किया है। बाबू रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में काव्य रचना की, जिसमें देशभक्ति के उद्यान भावना भी है। इनकी सबसे प्रसिद्ध भोजपुरी में उनकी दूसरी देशभक्ति परत गीत है भारत भवानी, जो प्रायः राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम की भांति गाया जाता था बाबू रघुवीर नारायण की। मनोरंजन प्रसाद सिंह ने बटोहिया की तर्ज पर फिरंगिया नामक गीत लिखा। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन से निकलने वाले देश का बिहार के
पत्र जगत में वही स्थान है जो उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी को के प्रताप का है। इन पत्रों के दमन की परवाह न कर देशवासियों में राष्ट्रीय भाव जगाया। 1928 से 1942 तक दिनकर जी ने अनेक क्रांतिकारी व राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं निकली जिन्होंने भारतवासियों से प्रेरित करने के लिए कवि को भी असाधारण सहाय प्रदान किया है। इसमें प्रणभंग, हिमालय, दिल्ली, हाहाकार तथा आग की भीख आदि उल्लेखनीय है। इस युग में देवव्रत शास्त्री और जगन्नाथ मिश्र दो ऐसे पत्रकार थे जो राजनीति से सीधी तरह जुड़े थे और अपने लेखों से राष्ट्रीय चेतना को बल प्रदान कर रहे थे। राहुल संस्कृत्यायन की अनेक कहानियां भी पराधीनता की पीड़ा के अंकन की दृष्टि से स्मरणीय है। कवियों में मोहनलाल महतो बिगोई ने आर्यव्रत काव्य महाकाव्य के द्वारा भारतीय इतिहास की एक अत्यंत शौर्यपूर्ण घटना के चित्रण के साथ नारी के कर्तव्य का निर्धारण किया है। गोपाल कृष्ण नेपाली ने देशभक्ति पर अनेक कविताएं लिखी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साधु संतों का योगदान। सन्यासी विद्रोह, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1763 में बंगाल और बिहार में सन्यासियों ने की। इसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में गजेटियर के लेखक सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह किसान विद्रोह था। वे तथाकथित गृह त्यागी और सर्वत्यागी सन्यासियों के रूप में 50-50 का दल बांधकर सारे देश में घुमा करते थे। इस विद्रोह में किसानों के विद्रोह को धार्मिक प्रेरणा की भी प्रदान की। बंगाल और बिहार में फैले सन्यासी विद्रोह के कई नेता थे जिसमें प्रमुख थे मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामनंद गोसाई आदि। पूर्णिया में भी 1770 से 71 में इस तरह के हमले हुए जिसमें 500 विद्रोही पकड़े गए। इन विद्रोहियों के कार्यकलापों से तंग आकर वारेन हेस्टिंग ने अत्यंत कठोर आदेश पारित कर विद्रोहियों का दमन किया। 1776 में सन्यासी विद्रोह के प्रमुख केंद्र पटना आसपास के अंचलों में था। सन्यासियों के विद्रोही सेना ने पटना स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियों पर हमला कर अंग्रेजों के वफादार जमींदारों को लूट लिया और कंपनी सरकार को कर वसूलना मुश्किल कर दिया। सारण जिले में 5,000 विद्रोहियों की सेना एवं अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें अंग्रेजी सेना पराजित भी हुई। यह आंदोलन 1800 ईस्वी तक अपने विभिन्न रूपों में चलता रहा। इस विद्रोह के माध्यम से सन्यासियों एवं फकीरों ने आत्म बलिदान का आदर्श एवं विदेशी पूंजीपतियों से देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के देवगांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम नौरंग राय था और उनके पिता का नाम बेगी राय था। विद्रोही गतिविधियों के कारण उन्हें 1922 से 23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ जेल में भी रहना पड़ा। 1920 में बिहार दौरे के समय पटना में 5 दिसंबर को एक संत से गांधी जी की भेंट हुई। यह संत स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। गांधी जी की भेंट के बाद उनकी वास्तविक देश सेवा आरंभ हुई। आरंभ में उनका कार्य क्षेत्र बक्सर, भभुआ तथा शाहाबाद था, परंतु 1924 के बाद संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए। सन 1927 में बिहटा पटना के पास में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर वे संपूर्ण बिहारवासियों की सेवा में लग गए। उन्होंने किसानों के हित में विशेष कार्य किया। इस क्रम में उन्हें अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। 61 वर्ष की अवस्था में 1950 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। भवानी दयाल सन्यासी, इनके माता पिता बिहार के रोहतास जिलांतरण बहुआरा ग्राम के निवासी थे जो बाद में कुली बनकर दक्षिण अफ्रीका चले गए। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।